दादी, एक्चुअली ना जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई। हमारे घर की एक परंपरा है ना, वो तीन चैलेंजेस वाली परंपरा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। कौन सी तीन चैलेंजेस? तुझे याद नहीं है, बचपन में दादी ने बताया था। क्या? यू नो शिवा, आई थिंक तू भूल गया है। उबरा खानदान की परंपरा है, जब घर में नई शादी होने वाली होती है ना, तब लड़का और लड़की एक दूसरे को तीन चैलेंजेस देते हैं और वो पूरे करते हैं, राइट दादी? Hey, that's too kiddish, okay? Please. चुप कर बिल्लू, कोई kiddish नहीं है। ये परंपरा है और ये परंपरा तुम्हें निभानी पड़ेगी। तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे को तीन चुनौतियां यानी तीन चैलेंजेस दोगे, ताकि इश्कबाजी की टक्कर में ये पता लग सके कि टक्कर कितनी है और इश्क कितना। दादी प्लीज, दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, ओके? चुप कर, तुम दोनों ये चैलेंजेस पूरे करोगे बस। पहला चैलेंज है, रसोई। ए, दादी आप भी इतनी स्वीट है ना, आप चाहती है कि आपका मास्टर शेफ बिलू जीत जाए। यस दादी, ये चीटिंग है। तुम्हें लगता है मैं चीटिंग करूंगी? नहीं, इसमें लगने की तो कोई बात ही नहीं है, इट्स ऑब्वियस। हेलो, यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो रही है। आईपीसी की किसी भी धारा का कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बड़े आए, इट्स ऑब्वियस। बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है, एक दूसरे की पसंद का खाना बनाने की। बिल्लू जो डिश बोलेगा अनिका वो बनाएगी, अनिका जो डिश बोलेगी बिल्लू वो बनाएगा, ओके? और दोनों एक दूसरे की डिश खाकर बताएंगे कि किसका खाना ज्यादा अच्छा बना है, ओके? आलू पूरी? नहीं, वो मैं हजार बार खा चुकी हूँ। इस बार मुझे खानी है पाव भाजी, वो भी चौपाटी स्टाइल, और पाव ना एकदम बटर में लथपथ होना चाहिए। बड़ा सा तवा होता है, उसमें डलता है मक्खन, फिर डलता है उसमें पाव, और फिर साइड में भाजी, थोड़ा मसाला, भाजी मसाला। चौपाटी स्टाइल की पाव भाजी देख कर ना मन करता है कि मैं ना ओम की तरह शायर बन जाऊं और कहूं, आपके पाव देखे बहुत टेस्टी है। अच्छा, ये सब छोड़िए, अब मैं थोड़ी बहक गई थी। आप क्या खाएंगे? ओके, स्टूड वेजिटेबल रैटाटोई विद बेक्ड ऑपर्चुनिटी एंड एस्पैरागस एंड पेस्टो सॉस। कितनी अच्छी आवाजें निकाली। नहीं, अब बताइए ना क्या खाएंगे? Stewed vegetable ratatouille with baked aubergine and asparagus and pesto sauce. ये ट्वी टेबल और सॉस और स्टू ये खाएंगे आप? याद रहेगा ना? हाँ, क्यों नहीं दादी, बहुत अच्छे से याद रहेगा मुझे। हाँ हाँ, एक और चीज, I don't want this in French style, I want it vegan, okay? Vegan? अच्छा ठीक है, कम मसाले वाला बैंगन ना, ठीक है बन जाएगा। वीगन मतलब वीगन, कर लोगी? क्यों नहीं, ये पूछने वाली बात है, कर लेंगे हम तो कर लेंगे भैया, पर आप पाव भाजी बना पाओगे चौपाटी से? डेफिनेटली, यस ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली हम कर लेंगे। कुछ कंपटीशन भी नहीं है वैसे। ठीक है, तुम्हारा चैलेंज शुरू होता है। अब हिल क्या रहा था? ये सब मैंने कभी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे रंग की गोभी भी होती है। क्या बात कर रही हो भाभी, एक टाइम में आप केटरिंग की दुनिया की बेताज बादशाह थी। हाँ, लेकिन मैं कभी खाना खुद नहीं बनाती थी, मुझे सिर्फ एक ही चीज बनानी आती, आलू पूरी। जरूर, तुम्हें तो आता होगा ना जो शिवाय ने बोला है बनाने के लिए। भाभी,
मुझे सिर्फ प्रोटीन शेक बनाना आता है और कुछ नहीं। टेप इस पानी में। भाभी हाँ आइडिया है, देखो पता जो आपको नहीं आता, जो मुझे नहीं आता, वो आता है इंटरनेट को। ये मैंने सोचा ही नहीं था। सोचने का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं भी बताता हूँ। हाउ टू मेक राटा, क्या था? रटा रटटुई ऐसा कुछ, देखो आ जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ देखो राटा कलिंग डालो। आ गया आ गया आ गया ये। हाँ ये बहन जी क्या बोल रही है? बाय गॉड बड़ी हॉट है यार। हॉट डिश बना रही है भाभी, हॉट डिश है ये। रुद्र मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। वो भाभी वो इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच बोल रही है। तो इसे बोलो ना हिंदी में बोलेगी। ए भाभी जैसे आपको फ्रेंच नहीं आती उसको हिंदी नहीं आती है, बड़ा टेंशन मत लो, मुझे फ्रेंच आती है, मैंने कॉलेज में बहुत क्लासेस ली है फ्रेंच की। हैं? तो बताओ क्या बोल रही है, जल्दी बताओ। अभी बताता हूँ। हाँ बताओ। ये कह रही है कि ये ओह नो, बहुत ठेठ फ्रेंच बोल रही है भाभी ये, जैसे छोटी माँ ठेठ पंजाबी बोलती है ना। तो आप क्या करेंगे? चिल, आप टेंशन मतलब मैं समझने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये वीडियो में समझ क्या लग रहा है? ये उबाल रही है। अच्छा हाँ ये कह रही है उबाल दो सब कुछ। पक्का पक्का पक्का। पाव भाजी चाहती तो 5-course meal डिमांड कर सकती थी, बट ऑल शी वांट्स इज पाव भाजी। But you know what, भैया कभी कभी ये आसान दिखने वाली चीजें ना असल में ज्यादा मुश्किल होती है। जॉय सिंह ओबेरॉय के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, देयर इज नथिंग ही कैन डू। अच्छा फिर बताइए आप कैसे बनाएंगे? अरे वैसे ये चौपाटी वाली पाव भाजी आपने खाई तो होगी ना, कैसी होती है? नहीं मैं खाई नहीं है। तो बदले हुए तो जरूर देखी होगी आपने, है कि नहीं? नहीं वो भी नहीं देखी। भैया आपने खाई भी नहीं है, बनते हुए भी नहीं देखी है, तो आपका प्लान क्या है भैया? हमें तो सिर्फ आइडिया है थोड़ा थोड़ा, हम तो सिर्फ कच्चे अंडे खाते हैं, अंडे खाते हैं। चिंता बिल्कुल मत करो, अरे शिवाय सिंह ओबेरॉय का हर प्रॉब्लम का सलूशन है, आई हैव जस्ट कॉल्ड अप करना। ओके चल।